हाय फ्रेंड्स मैं रितु नाकबाल देखिए आज आपके लिए जो है एक पंद्रह से सोलह सत्रह साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा वो आपको बताने जा रही हूँ बेसिकली स्मॉल साइज़ का स्वेटर किस तरीके से बनाया जाएगा चाहे ये लड़के के लिए हो लड़की के लिए हो ये दोनों जो है आ, उसके लिए है दोनों जेंडर्स के लिए हैं तो ये आप किस तरीके से बनाएंगे इसका थोड़ा सा मेजरमेंट आपको बताने जा रही हूँ और ये डिज़ाइन भी आपको बताऊँगी कि किस तरीके से डालेंगे देखिए बहुत आसान सा डिज़ाइन है अभी देखिए ये जो डिज़ाइन डला है आप ये देखेंगे ये, ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है तो ये मैं आपको स्मॉल साइज़ में बताने जा रही हूँ कि ऐसे आप किस तरीके से जो है बनाएंगे अब मैंने जो स्मॉल साइज के लिए बनाया है इसमें बैक और फ्रंट दोनों एक जैसे बनेंगे तो मैंने इसमें 90 स्टिचेस डाले हैं ये देखेंगे आप ये 90 स्टिचेस डालने के बाद ये मैंने बॉर्डर बनाया है इसमें बॉर्डर जो है दो इंच का एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना हुआ है दो इंच का है टू इंचेस और उसके बाद मैंने इंक्रीज नहीं किया है जस्ट ये डिज़ाइन डाला है 90 स्टिचेस में आप ये देखेंगे बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये इस तरीके से स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है ये चाहे तो आप लड़के में डालिए लड़की में डालिए कोई वो नहीं है एक जैसा दोनों में डल सकते हैं ये अब उसके बाद जो है मैंने इसकी जो फुल लेंथ है इसकी फुल लेंथ ट्वेंटी थ्री है उसमें से मैंने नीचे जो बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक जो है वो मैंने फोर्टीन पॉइंट इंचेस बनाया है बॉर्डर से लेकर आम होल तक अब आम होल की कटिंग जो मैंने इसमें की है वो की है मैंने पांच तीन दो एक फाइव थ्री टू वन अब उसके बाद जब आम होल की कटिंग कर ली है तो यह आम होल से लेकर ऊपर शोल्डर तक जो है एट पॉइंट फाइव इंचज है एट पॉइंट फाइव इंचज में मैंने यहां से लेकर सिक्स इंचज तक बनाया और देन उसकी गले की आप देखेंगे कटिंग की है जस्ट ऊपर ऊपर कटिंग की है कोई ज्यादा बहुत ज्यादा डीप नहीं की क्योंकि जिसके लिए स्वेटर बन रहा है उसको ऐसा ही चाहिए था अब आ जाते हैं इसकी गले की कटिंग पे शोल्डर पे मैंने जो है इसके 18 18 स्टिचेस दोनों तरफ रखे हैं 18 18 गले की कटिंग कैसे की है आप देखिए गले की कटिंग मैंने जो इसकी की है वो आ, मैंने की है पहले सेंटर में सिक्सटीन स्टि स्टिचेस कर लिए एक साथ आपने एक लाइन में उसके चार तीन एक ऐसे किया यानी कि चार तीन सात और एक आठ इस साइड आठ और इस साइड आठ सेंटर में आपने सिक्सटीन स्टिचेस किया यानी कि टोटल में मैंने थर्टी टू का गले की कटिंग की है फ्रंट एंड बैक दोनों सेम बनेंगे अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे अब देखिए बाजू जो है ये मैंने नीचे इस तरीके से फोर्टी स्टिचेस डाले हैं फोर्टी स्टिचेस डालने के बाद वही दो इंच का बॉर्डर बनाया है और उसके बाद मैं हर फिफ्थ लाइन में इसको बढ़ाती हुई गई हूँ ये देखेंगे आप ये शेप आ रही है आम होल तक अब इसकी जो आम होल तक आ, मैंने इसमें जो है एटी स्टिचेस किए हैं अब इसकी लंबाई आम होल की आपको मैं बता देती हूँ कितनी है क्योंकि लंबाई में ज्यादातर आम होल की बॉडी पार्ट्स से थोड़ा लंबी रखती हूँ क्योंकि हरे की आर्म्स लंबी होती है अब यहाँ से देखिए यहाँ तक जो है मैंने ये सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटीन इंचज है सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंचज जो है इसकी लेंथ करने के बाद इसमें मैंने कटिंग वैसे ही की है पाँच तीन दो अब एक एक जो है आपने 14 टाइम्स एक एक दोनों साइड से बंद करने हैं और उसके बाद जितने भी हमारे पास फंदे बचते हैं वो हम तीन तीन करके करते हैं और ऊपर आठ या दस फंदे रहने पे उसे बंद कर देते हैं तो इस तरीके से इसकी दोनों बाजुए बनी हैं अब देखो तो फिट है स्मॉल साइज के लिए अब इसका जो डिजाइन है वो मैंने यहां भी डाला मैंने बाजू में भी डाला देखिए बहुत सुंदर लग रहा है और ये बेसिकली स्टील ग्रे कलर है अब इसका डिज़ाइन आपको बता देती हूँ कि डिज़ाइन ये जो है कैसे आप डालोगे देखेंगे आप देखिए कितना सुंदर बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है तो चलिए डिज़ाइन आपको बता देती हूँ किस तरीके से डालेंगे हार्डली चार चार फंदों का ये डिज़ाइन है अब मैं आपको इसके थोड़े इसमें करके बता देती हूँ को तो डिज़ाइन को आपको कैसे करना है चार फंदे दो लाइंस जस्ट अब ये डिज़ाइन बनाते हैं किसी में भी डाल सकते हैं जेंट्स में डाल सकते हैं लेडीज़ में डाल सकते हैं किसी में भी आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं अब ये मैं देखिए फंदे डालने के बाद उल्टी साइड पे खड़ी हूँ अभी अब उल्टी साइड पे आपने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा पूरी लाइन ऐसे ही करनी है एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक, उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप एक सीधा और एक उल्टे की लेकिन उल्टे साइड पे ये देखिए ऐसे अब पलट के आपने जो फ्रंट साइड है क्योंकि ये बैक साइड में आपने एक सीधा एक उल्टा किया इस चीज का ध्यान रखिएगा ये बैक साइड में एक सीधा एक उल्टा आएगा अब फ्रंट साइड में आपने क्या करना है पहला उतारा ये फंदा आपने सीधा बनाया धागा अपनी तरफ करके ये तीन आपने उल्टे बनाने एक दो धागा आगे किया ये एक सीधा बनाना है धागा अपनी तरफ किया तीन उल्टे बनाने हैं एक दो तीन फिर धागा आगे किया एक सीधा अगेन धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो तीन धागा पीछे किया एक सीधा धागा आगे किया तीन उल्टे एक दो तीन धागा आगे किया एक सीधा धागा पीछे किया एक उल्टा अब इस तरीके से आपने सिर्फ ये दो लाइंस का डिज़ाइन है जो आपने डालना है ये देखें, यहाँ से फिर से वही एक सीधा ये पहला उतरेगा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से ये फिर से पूरी लाइन आपने एक सीधे एक उल्टे की ऐसे करते हुए जानी है ये देखिए फिर आ गए अगेन सीधे में आए यहाँ पे फिर वही ये पहला तो उतरेगा दूसरा फंदा ये देखिए सीधा दिख रहा है सीधा बनेगा अब ये तीन फंदे आपने उल्टे बनाने हैं एक दो तीन धागा आगे एक सीधा धागा पीछे तीन उल्टे धागा आगे एक सीधा धागा पीछे तीन उल्टे धागा आगे एक सीधा धागा पीछे तीन उल्टे धागा आगे एक सीधा पूरी लाइन ऐसी है यानी कि तीन उल्टे और एक सीधा ये चार फंदे हैं जिनको आपने इस तरीके से देखे करते हुए जाना है और ये ऐसे बनता है देखिए अब जब ये बनेगा तो ये स्ट्रेचेबल बन जाता है बहुत ही इजी डिज़ाइन है बहुत आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है और इस साइड आपने सिर्फ एक सीधा एक उल्टा करना है तो आप ये देखेंगे डिज़ाइन है इसी तरीके से ये बना हुआ है देखेंगे यहाँ भी है बैक में भी है इस तरीके से ये बना हुआ है तो चलिए फिर मैंने आपको ये स्मॉल साइज़ का भी जो है मेजरमेंट विद स्टिचेस बता दिए कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं तो अब आ जाते हैं इसके गले के पार्ट पे गले में जो है मैंने 120 फंदे उठा के आप ये देखेंगे गले की कटिंग दोनों साइड सेम की है मैंने यहाँ पे भी ये देखेंगे आप ऐसे है बेसिकली ये गला बहुत खूबसूरत सा गला है इस तरीके से है ये जब ये आपके शोल्डर्स पे आएगा बच्चे के तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा देखिए इस तरीके से एक फंदे उठा के ये जो है दो से सवा दो इंच का बॉर्डर होगा एक सीधा एक उल्टे का बनाया है और ऊपर नॉर्मल बंद कर दिया है इसे तो देखिए इस तरीके से आपका जो स्वेटर है स्मॉल साइज का ऐसे तैयार हो जाएगा तो चलिए फिर बनाइए और शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू